दिल्ली वालों, ठंडी हवा खाना भूल जाइए, ठंडा पानी पीना भी भूल जाइए और साथ ही रोशनी को छोड़ अंधेरे में रहना सीख जाइए। जी हाँ, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने शुक्रवार को बिजली की दरों में 5% का इजाफा कर दिया। दिल्ली की शीला सरकार ने दिल्ली के दिल वालों को फिर से महंगाई का झटका दिया है। इस बार DERC ने बिजली के टैरिफ में 5% की बढ़ोतरी कर दिल्ली वालों की जेब पर डाका डाला है। नए टैरिफ में 200 यूनिट खर्च करने पर ₹3.90, 201 से 400 यूनिट खर्च करने पर ₹5.80, 400 से 800 यूनिट खर्च करने पर ₹6.80 और 800 से ज्यादा की खपत पर ₹7 प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा। वहीं बिल पर 8% का सरचार्ज भी जारी रहेगा। बढ़ी हुई नई दरें 1 अगस्त से लागू कर दी जाएंगी। इस साल में ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली वालों को बिजली का करंट लगा हो। इस साल ये तीसरी बार है जब DERC ने पावर टैरिफ में बढ़ोतरी की है। इससे पहले फरवरी में 1.5% और मई में करीब 3% की बढ़ोतरी की गई थी। इस बढ़ोतरी पर बिजली कंपनियों ने अपने बढ़ते घाटे को मुख्य वजह बताया है। एक तो महंगाई की मार से पहले ही थाली से एक एक कर गायब होती चीजों के इंतजाम में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में शीला आंटी के दिए हुए बिजली के झटके से बेबस दिल्ली वाले कैसे निपटेंगे ये तो भगवान ही जाने। लेकिन एक बात तो तय है कि केंद्र में बैठी सोनिया और दिल्ली में शीला सबकी हालत ढीला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। सुदर्शन न्यूज के लिए सुमित चौधरी की रिपोर्ट।